किड्स, आज हम लेसन 8 पढ़ेंगे अपने इंग्लिश में, इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड मतलब जो तालाब होता है, पॉन्ड मतलब तालाब होता है, तालाब में क्या है, है ना। देयर आर टू फ्रॉग्स, उसमें क्या था, दो मेंढक थे। इन द पॉन्ड दे वॉन्टेड टू प्ले, कि दोनों पॉन्ड फ्रॉग्स कहाँ रहते थे, तालाब में रहते थे, है ना, और क्या करना चाहते थे, खेलना चाहते थे। दे सॉ टू ट्री ट्रंक्स ऑन द पॉन्ड, वो दोनों ने क्या देखा कि दो ठो टहनी दिखी, जो उन्हें लगा कि वो पेड़ की टहनी है। दे ब्रॉट अ रोप, दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स, दे मेड अ स्विंग। अब वो दोनों ने क्या किया कि उन दोनों ने एक रोप लेकर आए, रस्सी लेकर आई और दोनों को बीच में बांध दिया इस तरीके से, और वो दोनों झूलने लगे। ओ व्हाट अ नाइस स्विंग, सैड वन। अब दोनों झूलते हुए क्या हुए, बोले कि अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है झूलने में। ओ यस इट इज़ ब्यूटीफुल, सैड द अदर। दूसरे मेंढक ने भी क्या बोला, फ्रॉग ने बोला कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। After some time the swing moved. अब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो जो swing हो रहा था वो move हो गया। What's happening? said one. Oh, the trunks are moving. said the other. अचानक सुनने लगा कि वो जो दोनों टहनियाँ हैं वो हिल रही हैं, है ना। Oh, we are flying. They look upwards. अचानक सुन की नज़र जब ऊपर उठी तो क्या देखे कि वो दोनों उड़ने लगे। ओ नो द फ्रॉग क्राइड टुगेदर, इट्स अ क्रेन, हेल्प हेल्प। अब दोनों फ्रॉग ने जब ऊपर देखा तो क्या हुआ, उन्हें क्रेन नज़र आया, तो वो दोनों अब मदद के लिए पुकारने लगे, हेल्प हेल्प करके, है ना। इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें नीचे और दिखाई दे रही हैं तो कम से कम बाहर निकल के भी थोड़ा सा देख लें, नहीं तो मुसीबत भी ऐसे ही आ जाती है, है ना। तो हमेशा अपने नाक, आँख और कान तीनों खुले रखने चाहिए और इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों, थैंक यू।